Hello everybody, welcome back to this channel. मैं हूँ आकाश विमल. How you guys doing? I am back with another video. और आज का जो ये video है, it's gonna be about my daily routine. एक दो rescues भी आते हैं जो कि almost daily कोई ना कोई आता ही रहता है. और जैसे कि आपको पता होगा, अभी rescue season दोबारा is gonna start, क्योंकि अभी सर्दियाँ ख़त्म होने लगी हैं. तो hibernation का जो time था reptiles का, वो ख़त्म हो गया है. So Yes, I'm gonna run around. बहुत सारे rescuers भी हैं इस बार तो हमारे साथ. तो इस बार I hope हम ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों को rescue कर पाएँ. तो अभी हमारे पास एक दो animals हैं, मैं आपको उनसे भी मिलाता हूँ. और yes, I've just woken up a while ago. तो अभी हम दोबारा लगते हैं चीज़ों में. Let's see some animals and yes, let's have a good day together. तो एक्चुअली ये है एक फ्लैप शेल टर्टल, जिसको हम बोलते हैं इंडियन फ्लैप शेल टर्टल. आप सोच रहे होंगे मैंने इसको बाल्टी में क्यों रखा है, पर इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि इन लोगों को पानी मिलता रहे. मुझे लगा था कि मैं इसको थोड़ा सा चिकन देने की ट्राई करूँगा, बट आई डोंट थिंक सो कि ये खाएगा, क्योंकि इसको जिस इंसान ने रखा हुआ था उनको लगता था कि ये सूखे का कछुआ है जो सूखे में रहता है. मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा. आप इसका साइज़ देख सकते हो, काफ़ी बड़ा है. दिस वन इज़ प्रोटेक्टेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. तो अगर आपको कहीं भी मिलता है ये, आप इसको उठाकर घर पे नहीं ला सकते. ये बेचारा 3-4 महीने बिना पानी के उन्होंने रखा, इसने तब तक कुछ भी नहीं खाया. फिर सर्दियाँ आ गईं तो इसकी और बुरी हालत हो गई, पर अब ये एकदम फिट टू रिलीज है. तो आई डोंट थिंक सो ये चिकन खाएगा, पर हाँ, अब हम इसको रिलीज़ तो ज़रूर कर देंगे जल्दी से जल्दी, ताकि ये भी खुश रहे और हम भी खुश रहें अच्छे से. As you can see, हमारी स्नोई मैडम अभी तक सो रही हैं, तो इट्स गुड. अगर ये ज़्यादा देर तक भी सोना चाहती है तो कोई बात नहीं, हम इसको उठाएंगे नहीं. और जैसे ही ये उठेगी वैसे ही इसको वॉक पर लेकर जाऊंगा मैं. एंड इट्स ओके, इसाब इज डूइंग ग्रेट ऑब्वियसली, हमेशा की तरह. ये इसका मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ. इसको भी चिकन, वॉर्म्स और वेजिटेबल्स, चावल, रोटी. ओमनिवोरस होते हैं क्रोज, तो वो सब खाते हैं, तो उसको भी मैं यही सब देता हूँ. ही इन्जॉयज इट रियली मच. और बस जैसे ही मैं इसको देखता हूँ, इसको बस प्यार करवाना होता है. अभी भी ये प्यार करा रहा है. इसको अपना हेड स्क्रैच कराने में बहुत मज़ा आता है. सो या, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. और ये बहुत अच्छे से रह रहा है. अभी ये अडल्ट हो गया है ऑलमोस्ट. जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्रे भी आ गया है इस पर. आई लव हिम वेरी मच और ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा खुश रहता है. आई एम श्योर आप इन भाई साहब को तो जानते ही हैं. ही इज सिम्बा क्लीनिंग हिमसेल्फ. अभी ही इज माई लिटल स्टार. इसको बड़े मज़े आते हैं प्यार करवाते हुए. रात को पता नहीं इसको क्या हो जाता है, इसमें भूत आ जाता है और ये खेलता ही रहता है पूरी रात और फिर पूरे दिन सोता है ना. सिम्बा, बिल्लियाँ बेस्ट होती हैं, दे डोंट रियली केयर मच. और जब इनको प्यार करना होता है तो मतलब इनको प्यार ही करना होता है, फिर ये कुछ नहीं देखते है ना. गुड बॉय सिम्बा, गुड बॉय. मैं आपको मिलाता हूँ हमारे नए मेहमान से, जो कि ऑल दो इसका आना मेरे पास बिल्कुल भी खुशी की बात नहीं है, क्योंकि जितने लोग पतंग उड़ाते हैं उनके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है ये. सो इसको मांझे से चोट लगी थी, मतलब चोट एज इन इसका आधा पंख कट कर वहीं पर गिर गया था और ये 3 से 4 दिन तक वहीं पर पड़ा रहा अनटिल ही गॉट रेस्क्यूड. और बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेशन और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी इसको जब ये आया था. अब ही इज़ डूइंग फाइन. ये इसको 3-4 दिन हो गए और अब ये खुद अच्छे से खाना खा रहा है, तो इट्स अ गुड थिंग फॉर हिम. अब ज़िंदगी में ये कभी उड़ तो नहीं पाएगा, पर रेड नेप्ड आइबिस बहुत ही अच्छे पक्षी होते हैं. और पुट टू स्लीप करना थोड़ा सा मेरे लिए दर्दनीय है इसको देखकर,
पर हाँ, ये नॉन वेजिटेरियन होते हैं, ये वाइल्ड में सिर्फ छोटी मछलियाँ और कीड़े मकोड़े खाते हैं। तो मैंने इसको मछलियाँ भी खिलाई हैं, अभी मैं इसको चिकन खिला रहा हूँ क्योंकि प्योर फॉर्म ऑफ प्रोटीन है वो इसके लिए। इनको हम बोलते हैं रेड नेप्ड आइबिस। इनको आपने ज़रूर देखा होगा पानी के आसपास घूमते हुए उड़ते हुए, बहुत ही सुंदर लगते हैं ये वाइल्ड में। मुझे बड़ा दुख हो रहा है इसको घर पे रखते हुए, इट्स वेरी सैड टू सी दिस, पर एटलीस्ट मैं इसको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत खुशी तो दे पा रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि ये नॉन वेजिटेरियन पक्षी होते हैं, तो आई ऑर्डर्ड सम वॉर्म्स फॉर हिम, ऑल्दो मेरे पास हमेशा वॉर्म्स रहते हैं। आई ऑर्डर्ड इट फ्रॉम माई फ्रेंड राहुल, वेरी गुड पर्सन। अगर आपको भी वॉर्म्स चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट हिम।